शब्बीर का मातम जिन्हें करते नहीं देखा, हालात कभी उनके सुधरते नहीं देखा। शब्बीर का मातम जिन्हें करते नहीं देखा, हालात कभी उनके सुधरते नहीं देखा। हंस हंस के अली वालों का सूली पे हमेशा, हंस हंस के अली वालों का सूली पे हमेशा, चढ़ते हुए देखा है उतरते नहीं देखा, चढ़ते हुए देखा है उतरते नहीं देखा। सलवात। मैं एक बार फिर गुजारिश गुजार हूँ, जो आज़ाद बात तशरीफ़ रखते हैं उनसे मेरी मोहतबाना गुजारिश है कि फर्श के आज़ाद तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का आगाज़ हो चुका है, अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब जाफ़र साहब से कि वहाँ आएँ, बारगाह इमाम में अपना मंजूम खराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। एक बावज़ बुलंद नारे सलवात। खुशी से सर को कटाए कोई तो मैं जानूं, खुद अपने घर को लुटाए कोई तो मैं जानूं। बशर जहां में खुदा भी बने, नबी भी बने, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं। ना पूछिए के क्या हुसैन है, बादशाह मेरा हुसैन है। ना पूछिए के क्या हुसैन है, करे जो हमसे हम सरी किसी की क्या मजाल है। जहां में हर मिसाल से हुसैन बेमिसाल है, करे जो हमसे हम सरी किसी की क्या मजाल है। जहां में हर मिसाल से हुसैन बेमिसाल है, ये हो चुका है फैसला न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है मेरा हुसैन है। न पूछिए के क्या हुसैन है, है जिसकी फिक्र कर बला हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चिराग है, है जिसकी फिक्र कर बला हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चिराग है। हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है मेरा हुसैन है। न पूछिए के क्या हुसैन है, हुसैन से जो दूर है वो सब गमों से चूर है। हुसैन के जो पास है गमे जहां से दूर है, हुसैन से जो दूर है वो सब गमों से चूर है। हुसैन के जो पास है गमे जहां से दूर है। ये दीन जिसकी देन है, ये दीन जिसकी देन है, जो जिंदगी का चैन है, वो सच्चा काफिया हुसैन है मेरा हुसैन है। न पूछिए के क्या हुसैन है, असीर शाम पे निगाह की तो हुर बना दिया, असीर शाम पे निगाह की तोहर बना दिया। जो मर रहे थे उनको जिंदगी का गुण सिखा दिया। थी मौत हर तरफ जहां,
थी मौत हर तरफ जहां ये राज भी वही खुला। हयात बांटता हुसैन है मेरा हुसैन है न पूछिए कि क्या हुसैन है। शहीद आज भी सेना किया थी है सदा भाई चलते नाते से घुटनियों के बल में तेरी लाश तक आई हुसैन। कौन था जो मरने वालों में नहीं था रूबरू? अरे कौन था जो मरने वालों में नहीं था रूबरू? भूलने बैठी तो किस किस की न याद आई हुसैन। बह रहे थे आँख से आंसू तेरी रुखसत के वक्त, बह रहे थे आँख से आंसू तेरी रुखसत के वक्त। फिर कोई आंसू न टपका आँख पथराई मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक मतलब और दो शेर एक मतलब लिखेगा नेहरु भाई का मिसरा था उसी में लिखेगा मतलब के मदद मांगी जो मैंने मिदहते असगर में सरवर से। मदद मांगी जो मैंने मिदहते असगर में सरवर से, बस एक लम्हा न गुजरा और लफ्ज़ों के गुहरबर से। बस एक लम्हा न गुजरा और लफ्ज़ों के गुहरबर से। बस एक लम्हा न गुजरा और लफ्ज़ों के गुहरबर से। और शेर लिखा कि अली असगर तुम्हारी तशनगी जिसने भी झुटलाई। अली असगर तुम्हारी तशनगी जिसने भी झुटलाई, वो इंसान रोज़े महशर जामे कौसर के लिए तड़पे। अली असगर तुम्हारी तशनगी जिसने भी झुटलाई, वो इंसान रोज़े महशर जामे कौसर के लिए तरसे। शेर देखेगा कि न जाने
क्या से क्या कहने लगी दुनिया मुझे माला, न जाने क्या से क्या कहने लगी दुनिया मुझे मौला, बस एक गोशा निकाला था फजाइल के समंदर से, न जाने क्या से क्या कहने लगी दुनिया मुझे मौला। आई मैं तशरीफ ले लूं इतना सलवार भी नहीं आता। न जाने क्या से क्या कहने लगी दुनिया मुझे मौला, बस एक गोशा निकाला था फजाइल के समंदर से, बस एक गोशा निकाला था फजाइल के समंदर से, और तलब सरवर दबीरी दौलते दुनिया करूँ क्यों कर, तलब सरवर दबीरी दौलते दुनिया करूँ क्यों कर, के दिल लबरेज है जब उल्फते आले पैगंबर से, तलब सरवर दबीरी दौलते दुनिया करूँ क्यों कर, तलब सरवर दबीरी दौलते दुनिया करूँ क्यों कर, के जब लबरेज है दिल उल्फते आले पैगंबर से। एक नारे सलवात भेजें हज़रात। एक कलाम की फरमाइश है आप तकमील तकल्लुम साहब का, इसके देखिएगा एक मतलब तुम शेर हाजिर जी आप ही क्या कल पढ़ा था उसी के बाद फरमाइश। एक नारा सलवात दीजिए सर। कोशिश यही करें। बमन शायरा पे जहां खींचते हैं, बमन शायरा बेजहां उनफे का खींचते हैं, बमन शायरा बेजहां सवारी हाथ में मुल तुझा की सवारी, उसी से अबू जर जहां खींचते हैं, बमन शायरा बेजहां खींचते हैं, बमन शायरा बेजहां खींचते हैं। श्रीगा के लिखो नूह तुम पा चीस में इलाही, लिखो नूह तुम पार चीस मिलाही, फरिश्ते अभी बादबा खींचते हैं, बमन शायरा बेजहां खींचते हैं, बमन शायरा बेजहां खींचते हैं, कि पिसर मांग रहे ये देते रहेंगे, पिसर मांग रहे ये देते रहेंगे, सखी हाथ अप ना कहा खींचते हैं। पिसर मांग रहे, पिसर मांग रहे ये देते रहेंगे, पिसर मांग रहे ये देते रहेंगे, सभी हाथ अपना कहा खींचते हैं, बमन शायरा के जहां खींचते हैं। के ख़यामत में देखा ख़यामत का मंज़र, ख़यामत में देखा ख़यामत का मंज़र, मुख़ासिर की भी I'm
कि फकत एक ही पर चमकते नहीं, फकत एक ही पर चमकते नहीं, फकत एक ही पर तो रुकते नहीं हम, तबर्रे में हम खानदान कहते हैं, फकत एक ही पे तो रुकते नहीं हम, फकत एक ही पे तो रुकते नहीं हम, तबरे में हम खानदान खींचते हैं, बमन शायरा बेजहां खींचते हैं। अभी देखिएगा शेर, कि ये खाकी बशे पर शिमजलिस बिछाके, ये खाकी बशे फर्शे मजलिस बिछा के, जमी की तरफ आसमां खींचते कि ये खाकी बशे फर्शे मजलिस बिछा के, ये खाकी बशे फर्शे मजलिस बिछा के, जमी की तरफ आसमां खींचते हैं, बमन शायरा बेजहां खींचते हैं। कि नुसैरी मुखासे रहे अपनी हद में, नुसैरी मुखासे रहे अपनी हद में, वो मौला को क्यों दरमियां खींचते हैं, बमन शायरा बेजहां खींचते हैं। कि कयामत में देखा कयामत का मर्ज़े, कयामत में देखा कयामत का मंजे, मुखसर की में समझबा खींचते हैं, बमन शाया बेजहां खींचते हैं। कि फकत एक ही पर तो रुकते नहीं हम, फकत एक ही पर तो रुकते नहीं हम, तबर्रे में हम खानदान खींचते हैं, बमन शायरा बेजहां खींचते हैं। कि तकल्लुम खुदाए सुखन के कलम से, तकल्लुम खुदाए सुखन के कलम से, शबीह मां में जमा खींचते हैं, बमन शायरा बेजहां खींचते हैं। अब मैं बड़े हजरत राम के साथ गुजारिश गुजार हूँ मिर्ज़ा अब्बास लुधियानवी साहब से, कि हमारे बारगाह इमाम में अपना मंजूम खराज अकीदत पेश फरमाए, एक बाबा ज़बलन नारे सुनवा। हजरत बहुत ही ताखिर हो चुकी है, बहरहाल में सवाबन बस दो मतले और दो तीन शेर जल्द जल्दी हाजिर करें, उसके बाद बुजुर्ग जो हैं एक सलवार पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद का, एक मिसरा हुआ था कि इश्क अली मिला हमें कंबर के साथ साथ, तो भाई दो मतले और दो तीन शेर मैं तो हाजिर कर रहा हूँ। कि मीसम के साथ और कभी बूजर के साथ साथ,
मीसम के साथ और कभी बुजर के साथ साथ, मीसम के साथ और कभी बुजर के साथ साथ। इश्क़े अली मिला हमें कंबल के साथ साथ, इश्क़े अली मिला हमें कंबल के साथ साथ। ओ अब्बास इस तरह से है सरवर के साथ साथ, अरे हैदर थे जिस तरह से पयंबर के साथ साथ, हैदर थे जिस तरह से पयंबर के साथ साथ। तो यहाँ से शेर हाजिर कर रहा हूँ, देखें ना भाई शकील भाई, हाजिर कर रहा हूँ कि ये मुस्कुरा के शहे से कहा शीर खार ने, ये मुस्कुरा के शहे से कहा शीर खार ने, अरे रोएगा रोएगा हुरमुला अभी लश्कर के साथ साथ, रोएगा हुरमुला भी लश्कर के साथ साथ। तो शेर भी हाजिर कर रहा हूँ, देखिए खासतौर से हजरात के आशूर की, आशूर की अजान ने हुर को बता दिया, आशूर की अजान ने हुर को बता दिया कि अल्लाह अल्लाह बिल यकीन है अकबर आशूर की अजान ने हुर को बता दिया, अल्लाह बिल यकीन है अकबर के साथ साथ, अल्लाह बिल यकीन है अकबर के साथ साथ। और मर्जी मर्जी खुदा की है दरे करार को मिली, अरे हिजरत की शब रसूल के बिस्तर के साथ साथ, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर के साथ साथ। तो आखिरी शराज़े कर रहा हूँ, देखें हज़रत के मेराज में, मेराज में रसूल भी हैरान हो गए, मेराज में रसूल भी हैरान हो गए, अरे खालिक मिला जो लहे जाए हैदर, के साथ साथ खालिक मिला जो लहे जाए हैदर के साथ साथ।
अब मैं बहुत ही अदब एहतराम की गुजारिश करूँगा जनाब शकील साहब से, जनाब नायब साहब से, ये तशरीफ़ लाएँ और सुस्तानी के फरज अंजाम दें। इस सलवार पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनाब आगा सरोज साहब का कलाम हाजिर कर रहे हैं, और उससे पहले जनाब रशीद शरीकी साहब का बहुत ही मशहूर और मालूम पता है, अभी समाज फरमाइए, एक सलवात और भेजिए पर मोहम्मद रहे ज़िक्र अली हम ज़बान तुम को जोरे बयां देने वाले मीसम को जोरे बयां देने वाले मुझे तर जबां कर जबां देने वाले मीसम बयां देने वाले सरे दार मीसम को तन्हा न समझो सरे दार मीसम को तन्हा न समझो है लाखों अभी बयां देने वाले अली ही थे गुल दस्ते कुन फकां पर अली ही थे गुल दस्ते कुन फकां पर खुदाई में पहली मीसम को जोरे बयां देने वाले
अली की विलायत से इंकार कैसा, अली की विलायत से इंकार कैसा, ज़बान दे चुके हैं ज़बान देने वाले, को जोर बयां देने वाले, बताए कोई शाम हिजरत कहां थे, बताए कोई शाम हिजरत कहां थे, नबी के इशारों पर जाते हैं वाले, हाय 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 फदक के लिए पेश हाकिम खड़े हैं, फदक के लिए पेश हाकिम खड़े हैं, एक आंसू पबावे जिना देने वाले, अमी सब को जो फदक तो इमाम ज़माना ही लेंगे, फदक तो इमाम ज़माना ही लेंगे, हैं ये लोग ऐसे कहाँ को जोर बयां देने वाले, फदक तो इमाम ज़माना ही लेंगे, फदक तो इमाम ज़माना ही लेंगे, हैं ये लोग ऐसे कहाँ को जोर बयां देने वाले, दुआए मलक है दरे फातिमा पर, दुआए मलक है दरे फातिमा पर, सलामत रहे रोटियां देने वाले, अमी सम को जोरे बयां देने वाले, उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा, उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा,
उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा, कहाँ मर गए बेटी बयां देने वाले उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा, उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा, कहाँ मर गए बेटियाँ देने वाले, अली सम को जोरे बयां देने वाले। जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते हैं, जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते हैं, नजर बाप की शायद छुपाए जाते हैं, खुदा हुसैन को पहुंचा दिलाशे अकबर पर, ये दाग वो है कदम लड़ खड़ाए जाते, जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते हैं, ना जुम्बिशें है नजर में नदम है अकबर में, मगर हुसैन गले से लगाए जाते, जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते हैं, जिधर से लाशाए अकबर गए हैं लेके हुसैन, निशान बैठने उठने के पाए जाते, जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लें सहमत होगी कबीर मियाँ, ताकि बाद में मोमिनीन आते हैं वहाँ सके मजलिस डिस्टर्ब ना हो,
آپ سے بھی بس ادب گزارش ہے بھائی، آپ راستے میں بیٹھے ہیں، آپ تھوڑا تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھ سکیں۔ رحم اللہ من قرع السورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد۔ وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله الحق، كنتم خير أمة، صلوات برادران ایمانی، جان مذہب و ملت، عزاداران سرکار سید الشہداء، وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ نے ماشاءاللہ ایک مفصل مرجع و مرصع و منظم مد اہل بیت علیہ السلام، فضائل امیر المومنین علیہ السلام سماعت فرمائے، لہذا چند باتیں اس حقیر سے بھی سماعت فرما لیں جو عظمت اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی۔ عمران نام ہے پدر بزرگوار امیر المومنین کا، محمد عربی بھتیجے ہیں جناب عمران کے، ابو طالب کنیت ہے، ابو طالب نام نہیں ہے امیر المومنین کے پدر بزرگوار کا، نام عمران ہے، علی اور اولاد علی اور خود پیغمبر اسلام جو رشتے میں بھتیجے ہیں یہ سب آل عمران ہیں۔ عمران صاحب ماشاءاللہ آگے بیٹھے ہوئے سماعت فرما رہے ہیں، دیکھیں ہمارے بزرگوں نے سلیقہ طریقہ دیا ہے کہ ہم اتنے محبت اہل بیت میں سرشار ہیں کہ ان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے جوانوں کا، اپنے بچوں کا نام بھی انہی کے نام پہ رکھتے ہیں، اور بحمداللہ سقد اس مجلس میں اگر ایک عمران آگے بیٹھے ہیں تو ایک عمران پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چونکہ سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کی میں نے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا پورا اختیار ہے، اس آیت کے ذریعے مد آل عمران ہونی ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اس کا اختیار ہے، سورہ آل عمران ہے۔ آیت کا نشان بتاؤں، آیت نمبر ہے 110، نہیں متوجہ ہوئے جو علی کے نام کی تعداد ہے، آیت نمبر 110، اور اس میں کیا ارشاد فرما رہا ہے پروردگار سورہ آل عمران، آیت کا نشان، آیت کا نمبر 110، ارشاد فرما رہا ہے، کنتم خیر امتن، اے محمد و آل محمد، اس امت میں آپ سب سے بہتر ہیں۔ یہ امت آپ کا تقابل نہیں کر سکتی، یہ امت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد خلقت کچھ اور ہے، آپ کا مقصد خلقت کچھ اور ہے،
ان کی خلقت کی نو کچھ اور ہے، آپ کی خلقت کی نو کچھ اور ہے، یہ کسی اور شے سے بنے ہیں، آپ کسی اور شے سے بنے ہیں، یہ مجسمہ ہے آگ ہوا پانی اور مٹی کا، آپ ان کے جیسے نہیں ہیں، کنتم خیر امتن، آپ سب سے بہتر ہیں۔ دیکھیں یہ آئے ہیں بشری پیغر میں، مگر کوئی ذہن ناقص یہ سمجھ نہ لے کہ یہ پیدا بشر ہوئے ہیں، یہ پیدا بشر نہیں ہوئے ہیں، یہ پیدا ہوئے ہیں نور، یہ پیدا ہوئے ہیں نور، ظاہر ہوئے ہیں بشری پیغر میں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ آپ کی مجبوری تھی، نور کے لیے تاب نظر نہیں تھی آپ کے پاس۔ جب موسیٰ جیسا نبی اللہ کا نور دیکھنا چاہتا تھا کہ موسیٰ تو میرے نور کو کیا دیکھے گا، ایک جلوہ دکھاتا ہوں جو میرے محمد کے وسیع جانشین علی کا ہے، ایک رمق سی چمکی تھی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، ایک رمق دیکھ کے موسیٰ نہ برداشت کر سکے۔ سنیے، میں بھی فضائل وشت کی منزل میں آ گیا ہوں، یہ فضائل سن کے آج آپ کو آپ کے مولا کے فضائل سنانا ہے، اور گھبرائیے نہ، وقت کے اندر انشاءاللہ گفتگو تمام ہوگی۔ آپ کی پوری توجہ آپ کے بلند و بالا، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ اذہان پہ اور آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے، یہ گزارشات، یہ سفارشات، یہ معجزات، یہ مناقب، یہ فضائل ہدیہ سماعت کر رہا ہوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو اپنا جیسا بشر نہ سمجھ لینا، چونکہ تمہارے پاس تاب نظر نہیں تھی، یہ پیدا نور ہوئے ہیں، ظاہر بشری پیغر میں ہوئے ہیں۔ جب موسیٰ نہ دیکھ سکے تم کہاں سے دیکھ لیتے، تمہاری خلقت کا مقصد کچھ اور ہے، ان کی خلقت کا مقصد کچھ اور ہے۔ تم آئے ہو دین سمجھنے کے لیے، یہ آئے ہیں دین سمجھانے کے لیے، تم آئے ہو توحید کو پہچاننے کے لیے، یہ آئے ہیں توحید کو پہچانوانے کے لیے، تم آئے ہو عمل کرنے کے لیے، یہ آئے ہیں عمل کروانے کے لیے، بالکل تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ کنتم خیر امتن، اے محمد و آل محمد، آپ سب سے بہتر ہیں، ان کو اپنا جیسا نہ سمجھ لینا، کیونکہ انسان کائے کے خلیے خلق ہوا، قرآن ہے قرآن، اور ان مجلسوں کے صدقے میں برابر سنتے رہتے ہیں تلاوت قرآن۔ ہمارا وہ وتیرہ نہیں ہے کہ ہل ہل کے قرآن فراٹے کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں، کچھ شعور ہی نہیں، کچھ علم ہی نہیں، قرآن کا کیا رہا ہے، حکم کیا ہے، بیان کیا ہے، کہاں پہ کیا حکم دے رہا ہے، کہاں پر کس پر لعنت کر رہا ہے، کب اس پر لعنت کی، کب اس پر لعنت کی، کچھ پتہ ہی نہیں، ہل ہل کے پڑھے جا رہے ہیں، یہاں تک کب خود اپنے اوپر لعنت پڑھ لی، ایک مل جل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں، کب اپنے اوپر لعنت پڑھ کے آگے بڑھ گئے، کچھ شعور ہی نہیں۔ ان مجلسوں کے صدقے میں قرآن ہم پڑھتے بھی ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، اس کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، اس کے باطن کو بھی جانتے ہیں، اس کے معنی بھی سمجھتے ہیں، اس کی تفسیر بھی سمجھتے ہیں۔ آپ کی خلقت کیوں ہوئی؟ آپ کی نو الگ ہے، آل محمد کی نو الگ ہے۔ میں ایک پیغام پہنچا رہا ہوں نوجوانوں کے لیے، بڑی ذمہ داری سے، فضائل تو ہیں مگر ایک مشن کے تحت ایک اہم پیغام، گر قبول افتز ہے زو شرف، مولا قبول کر لیں، سنیے، یہ پیدا بشر نہیں ہوئے، پیدا ہوئے نور، یہ تمہارے جیسے نہیں ہیں، تمہارے پاس تاب نظر نہیں تھی، اس لیے ان کو بشری پیغر میں بھیجا گیا، تم کائے کے لیے خلق ہوئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تم خلق ہوئے ہو عبادت کرنے کے لیے، میں جنوں انسان کو نہ خلق کرتا، کس لیے؟ مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ علی کے شیعہ، ہمہ وقت عبادت کیا کرو، مگر بے وقت کی عبادت بھی اچھی نہیں ہوتی، اول وقت ہر عبادت کرنی چاہیے، نماز اول وقت پڑھا کرو، واجب روزہ رمضان میں، حج حج کی تاریخ میں، یا ایام عزا ہیں، اس میں حضا جیسی عظیم ترین عبادت کیا کرو۔ تمہارا مقصد خلقت کیا ہے؟ عبادت کرنا۔
ورنہ خلق ہی نہ کرتا. ہما وقت عبادت کرو. مگر محمد کا مقصد خلقت نہیں ہے. نبی نے جب عبادت میں کثرت کی, قرآن قرآن قم اللیل الا قلیلا, اے محمد اتنی عبادت نہ کیا کرو کہ پنڈلیوں پہ ورم آ جائے. اے محمد عبادت میں کمی کر دو. قم اللیل الا قلیلا, تمہارے قدم پیروں میں پنڈلیوں میں ورم آ گیا, پنڈلیاں تھرتھرا رہی ہیں, عبادت کو کم کرو. نبی نے قرآن قرآن سنا رہا ہوں, بہت سنجیدہ بیان ہے, پوری توجہ. نبی نے قرآن کہہ رہا ہے, تلاوت کلام پاک میں اضافہ کیا, آنکھیں سرخ ہو گئیں, آنکھیں لال ہو گئیں. اے حبیب اتنی تلاوت نہ کیا کرو کہ آنکھیں سرخ ہو جائیں, یہ عبادت میں کثرت لائیں. تو ان کو قرآن روک رہا ہے, تمہاری خلقت نہیں ہوئی مگر اس لیے کہ تم عبادت کرو. تمہاری نوع خلقت الگ ہے, تم آئے ہو عبادت کرنے کے لیے, یہ آئے عبادت کروانے کے لیے. بشری پیغر میں تو صرف اس لیے بھیجا کہ اگر یہ عبادت کا حکم دے تو تم کہنا شروع کر دو گے کہ بھائی ان کے پاس جسم و جسمانیات ہی نہیں, یہ نور کا پیغر ہیں, نمازوں کا حکم دے دیا. بتائیے کہاں وہ بہترین نیند جس میں شیطان بھی لوریاں دے دے کے سلا رہا ہو. سردیوں میں صبح کے نماز کا وقت, ہم کتنی گہری نیند میں چین سے سو رہے تھے. ان کے پاس جسم و جسمانیات کہا کہ ان کو پتا چلے کہ نیند توڑ کے اٹھنے میں کیا اذیت ہوتی ہے, سردیوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی منہ میں پہ ڈالنے میں کیا جھرجھری چلتی ہے, کیا اذیت ہوتی ہے. ان کو کیا انداز ہے, تو نور کا پیکر ہے. اعتراض کرنے لگتا ہے کہ نہیں, واجبات کے بعد نافلہ نماز شب, بھئی یہ تو جسم رکھتے ہی نہیں, ان کو کیا پتا. روزے کا حکم دے دیا, نور ہے روزے پہ روزے رکھ لیے. کاش یہ بشر ہوتے تو ان کو پتا چلتا کہ روزوں پہ روزے رکھنے سے بدن میں کیا نقاہت ہوتی ہے, بدن میں کیسے زور چڑھتا ہے. بھائی یہ تو نور تھے, یہ بشری پیکر میں آئے کیوں. نوجوانوں تمہیں سمجھا رہا ہوں, یہ تو نور تھے. یہ کیا جانے کہ روزے کے زور سے بدن پہ کیسی کمزوری تاری ہوتی ہے. جہاد کا جنگ کا حکم دے دیا, ہم جسم رکھتے ہیں, تیر چلتے ہیں, تلواریں چلتی ہیں, تبر چلتے ہیں, ان کو کیا اندازہ کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے. کہ تم اعتراض نہ کرنے پاؤ, یہ نہ سوچنا کہ بشر ہیں, یہ پیدا نور ہوئے ہیں, ظاہر بشری پیکر میں ہوئے. اس لیے کہ جب یہ عبادت کریں گے پنڈلیوں پہ ورم آئے گا, پنڈلیاں تھرتھرانے لگیں گی, تو میں محمد کو روکوں گا. قم اللیل الا قلیلا, پوری رات عبادت نہ کیا کرو, عبادت میں کمی کیا کرو. ابھی محمد کہیں گے ہماری پنڈلیوں کا ورم دیکھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہیں, ہم جب چاہیں گے شق القمر کا معجزہ دکھا کے, ارے متوجہ, ہم جب چاہیں گے چاند کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے, تو کیا ہم نور کا پیکر ہیں. سلامات پہنچ حضرت محمد والا, ہم نور کے پیکر ہیں, ہم نور کا پیکر ہیں. ہمیں بشر نہ سمجھ لینا, پنڈلیوں پہ ورم دیکھ کے نہ سمجھ لینا ہم تمہارے جیسے. ہم جب چاہیں گے چاند کو دو ٹکڑیوں میں بانٹ دیں گے, دو ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے. امیر کائنات کوفے کے ممبر سے خدا دے رہے ہیں, روزوں پہ روزے رکھے, کبھی یتیم آیا, کبھی مسکین آیا, کبھی سائل آیا, روٹیاں دے دیں. بھائی بشری پیکر ہے نا, ہم بھی اس کا اثر جانتے ہیں. زوف کا اثر ہوا, ہمیں گھٹنے سے روٹی توڑتا دیکھ کے اپنا جیسا بشر نہ سمجھ لینا, کیونکہ ہم روزے رہے ہیں. جب روزوں پہ روزے رکھیں گے تو بدن پہ زوف آئے گا, زوف دیکھ کے اپنا جیسا نہ سمجھ لینا. جب چاہیں گے دو انگلیوں پر باب خیبر کو کاٹ دیں گے. ہم پیدا نور ہوئے ہیں,
हो सकता है कोई जहन ये सोच रहा हो, देखिए जोरे बयान पे आए, किस तर्ज पे अपना बयान लिए जा रहे हैं। यहाँ हर बात मुदल्लल होती है, दावा करना आसान होता है, दलील देना मुश्किल होती है। इतनी मजबूत बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं जो पहाड़ से ज्यादा भारी है, इसलिए कि जो मैंने अपने ख्यालात आपके सामने पेश किए, उसका इजहार किया आपके अजान पर भरोसा करके आपकी समातों को उसका मुतहम्मिल पा रहा हूं, ये कोई मामूली नहीं है। इसके लिए हमारे पास सनद मौजूद है और पहाड़ जैसी मोहर, आपके वक्त का इमाम यूसुफ ज़हरा बकियतुल्लाह अज़म हुज्जत इब्न हसन अल-अस्करी अज्जलल्लाह तआला फरजहु शरीफ एक बावा ज़बरन सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। हवाला दे दू, हवाला दे के बाद आगे बढ़ाऊं, इसलिए कि फजाइल सुन के आज कल अग़यार में बेचैन होते थे, अपनों में तड़पने लगते हैं। इसकी वजह आपने कभी सोची है? मैं इन बारगाहों पर एतराज, इन तबरुकात पर एतराज, मजलिस पर एतराज, उसके हिस्से पर एतराज, उसके रसूमात पर एतराज, सब क्यों होता है? बेवजह नहीं होता है, इसलिए कि अगर शियों में भी अली के जिक्र की एक मौजूज नुमाई है, अगर शियों में भी कोई गैर हलाली होगा, देखिए ये कोई दलील नहीं है कि कोई शिया फिरके में है और गैर हलाली नहीं है। अरे भाई शियों में भी अगर कोई गैर हलाली होगा, इनके फजाइल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर यजीद के लश्कर में भी कोई पाक नसब होगा तो हुर बन के आएगा जरूर, यजीद के लश्कर में होगा और पाक नसब होगा तो हुर बन के जरूर आएगा। क्योंकि आजकल फजाइल पढ़ो तो कहते हैं ना अखबारी हो गए जाहिल, इनको पता ही नहीं अखबारियत क्या चीज है। मैं ऐलान कर दूं, इसलिए कि इल्जाम लगवाने से इमाम मासूमीन ने बचने को कहा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिस्तानी साहब का मुकल्लिद हूं, तौबा करता हूं, जाहिल मुतलक हूं, मेरे पास इतना इल्मी नहीं कि कुरान और हदीस से इस्तेमाल कर सकूं। मैं दुआ दे दीजिए कि अल्लाह इल्म भी मौजूदा इल्म है, हमें उस मंजिल तक पहुंचा दे। आपके मांगने में कमी, इनकी अता में कमी नहीं है, साफ साफ लफ्जों में कह रहा हूं, मैं आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी साहब का मुकल्लिद हूं और मुझे किसी मौलवी ने तकलीद नहीं कराई है, बचपन में मुझे मेरी माँ ने तकलीद कराई है। अब आप मुलाहिज़ा फरमाएं, पांच जैसी सनद यूसुफ ज़हरा आपके वक्त का इमाम कहता है कि हमारी गैबत के जमाने में हमारे शियों के लिए उसूल काफी काफी है, हमारे शियों के लिए उसूल काफी काफी है। इतनी मजबूत किताब कि आपके वक्त का इमाम उसकी सनदें काफी से पढ़ा, उसूल काफी से अमीर कायनात मिंबर पे हैं, एक अजीम हदीस सुना रहा हूं आपको, हवाला उसूल काफी, इमाम जमाने की सनद दे दी, इससे मजबूत होगी कोई किताब, इससे मजबूत होगा कोई हवाला। मौला मिंबर पे बैठे खुतबा दे रहे हैं, सुनने वाले अग़यार जलने वाले नहीं है, सलमान हैं, अबू जर हैं, मीसम हैं, मिकदाद हैं, अम्मार यासिर हैं। क्यों? क्योंकि नबी कह चुके, ए मीसम ओ कंबर ओ सलमान ओ अबू जर त्रिम्मा बे नदी, जिधर अली हो उधर जाना, मजमा एक तरफ, अली एक तरफ हो तो अली का साथ ना छोड़ना, पूरी भीड़ एक सिम जा रही हो, अली अकेले खड़े हो, अली के पीछे जाना, क्योंकि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। फिर दुआ की, हे परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर मेरा अली मुड़े। भाई दाद तो दे दी आपने, गौर भी फरमाया, ये नहीं कहा कि जिधर जिधर हक मुड़े उधर उधर अली मुड़े, जिधर अली मुड़े उधर हक मुड़े। इसका मतलब क्या हुआ? जो अली के पीछे पीछे चले वो हक है, जो इनके मुकाबले पे आ जाए,
कोई हो, कहीं का हो, कितना बड़ा हो, हक नहीं है जो पीछे चले वो हक है, जो इनके मुकाबले पे आए वो हक नहीं। आप तो जो सुनने लिहाजा लखनऊ में पढ़ा हूं, आपकी शौक समाज का एक जुमला दे दू, अब चाहे वो उम्मत मोहम्मद के घर से चल के आए, चाहे मोहम्मद के घर से जंगे जमल में चल के आ जाए, उम्मत के घर से चल के आए, चाहे जंगे जमल में खुद मोहम्मद के घर से चल के आए, इनके मुकाबले पे आ गया कोई हो, हक नहीं हो सकता है। तो उसूल काफी में कह रहे सलमान अबू ज़र बैठे हुए, मौला खुतबा दे रहे, चाहने वालों ने आपके जैसे चाहने वालों के लिए सवाल कर लिया। सलमान पूछते मौला ये बताइए, देखिए दावा दे रहा हूं, कोई ना सोचे जोर बयान में कह दिया कि पैदा बशर नहीं हुए, पैदा नूर हुए। दावा आसान होता है, दलील मुश्किल होती है। दलील दे रहा हूं बाहर जैसी मजबूत दलील। सलमान ने पूछ लिया हजरत अपनी रूह के बारे में बताइए, हम समझना चाहते हैं आपकी रूह क्या है, इसलिए कि आपकी मैंने अर्ज किया ना नौए खिलकत कुछ और है, इनकी नौए खिलकत कुछ और है। आप बने आग हवा मिट्टी पानी से, या आग हवा मिट्टी पानी से नहीं बने, आपकी जिन्स और है, इनकी जिन्स और है। सलमान ने पूछ लिया हजरत बयान फरमाइए आपकी रूह क्या है, करीम इब्ने करीम है ना, रहीम इब्ने रहीम है ना, देख के मुस्कुराने लगे। ए सलमान ईमान के दसवें दर्जे पे फायज हो, हमारी मोहब्बत है ला कितना मजबूत ईमान हो, मगर अगर अली को समझ लिया तो अली अली कहां से रह जाएंगे, नहीं मुतवज्जे हैं। सलमान ईमान के दसवें दर्जे पे फायज, अबू ज़र नवे दर्जे पे फायज, मिल्दाद आठवें, कितना अजीम दर्जा है। सलमान और मिन्ना अहले बैत, जब सलमान और अबू ज़र जैसे अली को नहीं समझ सकते तो ये गुनहगार कहां से समझ लेंगे, शारुल्लाह को क्या जाने, ये इनसे चीजें मंसूब होने की अजमत को क्या जाने, का तुम नहीं समझ सकते। ये ना सोचिएगा मौला ने सलमान की आज़ुन बिल्ला तौहीन कर दी, का हमारी रूह को नहीं समझ सकते, कुरान है कुरान, ये सीरत हमने अहले बैत से ली है, वो हदीस और कुरान के बगैर नहीं बोलते, हम भी मिंबर पे हदीस और कुरान के बगैर गुफ्तगू नहीं करते, कुरान है कुरान, अली ने क्यों मना किया, कुरान है। ए मोहम्मद ये जो तुमसे तुम्हारी रूह के बारे में सवाल कर रहे हैं, पूरी तवज्जो बाहर वालों से भी दूर बैठे, इसका मतलब ये नहीं है कि ना वहां से दाद दे और ना तवज्जो सुने, पूरी तवज्जो माशाल्लाह तवज्जो से सुन रहे। ए मोहम्मद ये जो तुमसे कुरान है कुरान तुम्हारी रूह के बारे में सवाल कर रहे हैं, इनसे कहो कि तुम्हारी रूह नहीं समझ सकते, बस इतना समझ लें कि अमरे इलाही है, अमरे इलाही है, यानी खुदा का हुक्म है। ये तुम्हारी रूह नहीं समझ सकते, का सलमान रूह नहीं समझ सकते, मगर करीम इब्ने करीम है नाली, रहीम इब्ने रहीम है। मुस्कुरा के कहने लगे अच्छा अगर समझना चाहते थे तो हमारे जिस्म को समझ लो, मजा बेदार होकर सुन लीजिए इसी पर रब्त मसाइल, पूरी तवज्जो। इतनी देर आपने मजलिस से पहले माशाल्लाह इन मदाखानों को सुना, शोरा को सुना, आपने बेहतरीन मिसले लहने दाऊदी आपने मंथे अहले बैत सुनी, लुत्फंदोज हो रहे थे, बस 10 मिनट की गुफ्तगु है और रब्त मसाइल तफसील में नहीं जाना है। कहा तुम्हें समझना हमारे रूह को नहीं समझ सकते, इनको बशर ना समझ लेना, ये पैदा बशर नहीं हुए, पैदा हुए नूर, जाहिर हुए बशरी पैगर में। कहा मेरे जिस्म को तो समझ लो, रूह समझने कहां बैठ गए, नहीं मुतवज्जे, जिस्म पर रूह अफजल होती है, जिस्म मफजूल होता है, रूह अफजल होती है। कहा पहले हमारी रूह क्या समझोगे, जिस्म तो समझ लो। कहा हजरत बयान फरमाइए आपका जिस्म क्या है। कहा ये समझ लो जिससे तुम्हारी रूह बनी है उन्हीं अज्जा से हमारा जिस्म बना है। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो, और इसी पे खत्म हुआ।
जिन अज़ा से तुम्हारी रूह बनी है। अभी एक जुमला अर्ज किया ना कि जिस्म पर रूह अफजल होती है, आपके भी जिस्म पर आपकी रूह अफजल है। रूह निकल जाए बदन पड़ा रहेगा, बेफायदा बेसूद, जरा रसा बन जाएगा, सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, बदबू देने लगेगा। रूह अफजल है, रूह आए जो आपके जिस्म को सलामत रखे हुए, तभी तो सुपुर्द खाक करते हैं। का जिससे तुम्हारी जिन अज्जा से मिलकर तुम्हारी रूह बनी, तुम आग मिट्टी पानी हवा से बने हो, ये ना तसव्वुर करना हमारा जिस्म देख के कि हज़रत मिल्ला हम भी इसी तरह बने। जिससे तुम्हारी रूह बनी है उससे हमारा जिस्म बनाए। का हजरत हमारी रूह कैसे बनी है? का पांच अज्जा से मिलके, अजब तादाद है। पंजतनी सुन रहे थे ना, अली ने ऐसी फजीलत सुनाई। कब पंजतनी हो ना सलमान, पांच अज्जा से मिलके तुम्हारी रूह बनी। का मौला बयान फरमाइए वो पांच अज्जा क्या है। का जौहरे बका, जौहरे इर्तका। पूरी तवज्जो, गुफ्तगु सख्ती है मगर इंशाल्लाह आसान होगी। जौहरे बका, जौहरे इर्तका, जौहरे इल्म, जौहरे नूर, जौहरे खुशबू। मैंने सुना दिया, आपकी तवज्जो का शुक्रिया। दाद का खा नहीं था, ये हदीस है जो मैंने आप तक पहुंचाई। अमीर कायनात मिंबर से बैठे मस्जिद कूफा में खुतबा दे रहे हैं, सलमान के पूछने पे बयान कर रहे हैं। जौहरे बका, जौहरे इर्ता, जौहरे इल्म, गिन रहे ना आप, जौहरे नूर, जौहरे खुशबू। मैंने सुना दिया, आपने अकीदे से सुन लिया। इमाम मासूम फरमाते हैं, और इमाम मासूम की गुफ्तगू के लिए यकीनन आपने उलमा से सुन रखा होगा या तस्दीक कर लिएगा। यह मकूला है और साबित है कि कलामुल इमाम इमामुल कलाम। इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। वो इमाम इरशाद फरमा रहा है कि अजहान इंसान मोहताज अमसाल होते हैं। मासूम इमाम ने कहा इंसान के जहन मिसालों के मोहताज होते हैं, बगैर मिसालों के नहीं समझते हैं। अगर आपको बगैर मिसालों के समझना था तो समझ के दाद देते, फर्श पे ना बैठे होते, अर्श की मंजिलों में होते, खामोश नहीं रहते। अब मिसालें दे रहा हूँ तफसीली नहीं, तीन या चार मिनट में गुफ्तगू भी तमाम हो जाएगी। जहन पे ज्यादा बोझ ना हो, ज्यादा ज्यादा पांच मिनट, पांच चीजें, एक एक जुमले की मिसाल दूंगा। जौहरे बका से बनी है तुम्हारी रूह, जौहरे बका से, जिससे तुम्हारी रूह से माजिस्म। जौहरे बका का क्या मतलब हुआ? बका कहते हैं बाकी रहने को, जो खत्म ना हो, जो कायम और दायम रहे। रूह बनी है आपकी जौहरे बका से, नहीं मुतवज्जे हुए। मरता जिस्म है, रूह नहीं मरती। अगर रूह मरती होती तो अभी ये कयामत में हिसाब और किताब, ये बरज़ख, ये महशर, ये कयामत, ये कब्र की मंजिलें। हर शबे जुमा तुम्हारे वालदैन की, जिनके वालदैन इस दुनिया में नहीं है, जिनके हैं वो तज़हूर इमाम ज़माना कायम और दायम रहे, उनके सर पर रूहें आती हैं। शबे जुमा माँ बाप को फरामोश ना किया करो, खासतौर से माँ को। तुमसे उम्मीद करती है सूरह फातिहा की। रूह नहीं मरती, रूह मरी है, रूह बनी है जौहरे बका से। भाई अगर रूह मर जाए तो कयामत का जमाना कितना दूर है। 800 साल पहले हमारे आबो अजदाद इस दुनिया से चले गए, 700 साल, 600 साल, 500 साल, सबकी रूहें जिंदा हैं कि नहीं है? भाई शबरात में आप नजरें दिलाते हैं शशों को रख के सामने, रूह जिंदा रहती है। क्यों रहती है? जौहरे बका से बनी। नहीं मुतवज्जे हुए? जिससे तुम्हारी रूह बनी है उससे हमारा जिस्म बना है। अब हुसैन इब्ने अली को नौके नैजा पे कुरान पढ़ते देख के हैरत न करना। अब हुसैन इब्ने अली को सूरह कहफ की तिलावत करते देख के हैरत न करना। जिससे तुम्हारी रूह बनी है उससे इनका जिस्म, तुम्हारी रूह मरती नहीं। इनका जिस्म कहां से मर जाए? दलीलें हैं 10-12 वाकयात है। 1400 साल के बाद, 1500 साल के बाद जसद अथर सही और सालिम निकले, वक्त काफी हो जाएगा इसलिए वो सब छोड़ रहा हूं। जौहरे इर्तका, जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं, एक एक जुमले की मिसाल। देखिए मिसाल दी तो आप कुछ मुतवज्जे हुए और आप पे दाद दी। जौहरे बका से बनी है तुम्हारी रूह नहीं मरती, इनका जिस्म कहां से मर जाएगा?
جوہر ارتقاء, ارتقاء کا مطلب ہوا میں پرواز کرنا, ارتقاء کا مطلب بلندیوں کی طرف جانا, ارتقاء کا مطلب عروج, سیر کرنا ہوا میں, تیرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ پرواز کرنا. تمہاری روح جو ہر ارتقاء سے بنی ہے, یہ جو آپ سچے سچے خواب دیکھتے ہیں, کوئی صاحب سعودیہ میں تھے, کوئی دبئی میں تھے, کوئی لندن میں تھے, کوئی امریکہ میں تھے, لکھنؤ آ گئے, اپنے آبائی گھر میں آئے, خواب میں دیکھ رہے ہیں دبئی میں جس مکان میں تھے وہاں جو عرب مالک تھا اس سے باتیں کر رہے ہیں, اس سے گفتگو کے بھائی بھی کیا تفصیل سے سمجھانا پڑے گی. خواب دیکھ رہے ہیں امریکہ میں جس مال میں گئے تھے, جس گھر میں رہتے تھے, بہو بہو ایسا دیکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ خواب یاد ہے, صبح اٹھے بتا رہے ہیں, نہیں متوجہ ہوئے. 300,000 کلومیٹر دور امریکہ, 4,000 کلومیٹر دور سعودیہ, اتنی دور گئے اور اس کے بعد واپس آ گئے. کیسے آ گئے؟ جوہر ارتقاء سے. معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نیند موت اصغر ہے. کہ مولا جب موت ہے تو پھر یہ بیدار کیوں جاتے ہیں؟ کہ موت اکبر نہیں موت اصغر ہے. پانچ جوہر ہیں, خالی جوہر ارتقاء گیا, ابھی چار موجود ہیں, پانچوں سے ربط نہیں ٹوٹا. مزہ بیدار ہو کے سن لیجیے, میں بات کو تمام کر دوں. ابھی پانچوں جدا نہیں ہوئے. کیسے آپ جا کے آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں امریکہ میں, کتنی دور امریکہ, 24 گھنٹے کی فلائٹ, سعودیہ میں, دبئی, ایران, دنیا داری کی کیا باتیں کرے, یا ماشاءاللہ زائر بیٹھے ہوئے, حاجی بیٹھے ہوئے, خانہ کعبہ کی زیارت کی, حج کیا, ویسے ہی منظر دیکھ رہے ہیں. کربلا جیسا نور علی نور, نورانی منظر دیکھا, جس طرح زیارت کی تھی وہ دیکھا, وہی مناظر آپ کی نگاہوں میں ہیں. آپ زیارت کر رہے ہیں, کتنی دور؟ 4,500 کلومیٹر دور. کیوں؟ کیونکہ روح بنی ہے, پوری توجہ, روح بنی ہے جوہر ارتقاء سے. کتنی دیر میں واپس آتی ہے بدن میں؟ جیسے ہی کسی مچھر نے ڈنک مارا. میں ذرا بیدار ہو کے سن لیجیے, کچھ عرض کر رہا ہوں, جیسے ہی کسی مچھر نے کاٹا, ہے امریکہ میں آپ, ہے لندن میں, ہے سعودیہ میں, چشمے زدن میں آنکھ کھل گئی. بھئی روح کیسے آ گئی 4,000 کلومیٹر میں سے چشمہ زدن میں, امریکہ سے, لندن سے, جوہر ارتقاء سے بنی ہے. تمہاری روح جوہر ارتقاء سے بنی تو اس میں اتنی طاقت کہ مچھر کاٹے چشمہ زدن میں واپس آ جائے. جس سے تمہاری روح بنی اس سے ان کا جسم بنا. اب اس پہ حیرت نہ کرنا کہ نبی معراج پہ جا کے آ گئے, زنجیر دریتی رہی بستر کی گرمی, وضو کا پانی بہتا رہا, وضو کا پانی بہتا رہا, زنجیر در ہلتی رہی, بستر کی گرمی کم نہیں ہوئی. جوہر ارتقاء سے بنی ہے تمہاری روح, تمہاری روح میں اتنی طاقت جس سے تمہاری روح بنی. اپنا جیسا نہ سمجھ لینا کہ پیدا نور ہوئے ہیں, تم کو دین سمجھانے کے لیے آئے بشری پیکر میں, اس سے ان کا جسم بنا. نبی چشمہ زدن میں عرش سے جا کے آ گئے. جوہر علم, بڑی جنگ چل رہی ہے علماء کے نام پر. نوجوانوں, تم سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں, علماء کا بڑا احترام کیا کرو. غیب امام میں انہوں نے دین کے ستون کو سنبھالے ہوئے ہیں, یہ ان کی بڑی خدمات ہیں. مگر نوجوانوں, اس وضاحت کے ساتھ کہ علم حق ہے, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. ابھی ابھی سنائے نا دورہ کہ کیا کروں, پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دینا, جدھر میرا علی مڑے, علی کو ادھر ادھر نہ موڑنا, جدھر حق مڑے, جدھر علی مڑے ادھر حق مڑے. اب علم حق ہے,
उलमा हक हैं, जो इनके पीछे पीछे चले वो हक है, जो इनके मुकाबले पे आ जाए कभी हजरतारी की अजमत को कम करने के लिए, कभी शायरुल्लाह ये मुकद्दस मकामात रोजों को उनकी हुरमत को कम करने के लिए कोई हो कहीं का हो। और सुन लीजिए, आजकल तो मुफ्त खोरे मुफ्ती हो गए, जिनके पास कोई काम नहीं है, किसी काम के नहीं, मदरसे में गए पढ़ गए, काला अक्षर भैंस बराबर चंद दिन रहे, लौट के आ गए। सवाल कर लीजिए, सूरह बकरा तक तो याद नहीं होगा। और ऐसे बड़े बड़े फतवे देते हैं कल हफीज अलमान, तब एक फतवा मेरा भी सुन लीजिए भाई, मैं भी एक अदना तालिब इल्म हूँ दर आले मोहम्मद का, वैसे तो जाहिल मुतलक हूँ। 2021 का फतवा मेरा भी सुन लीजिए, जब मुफ्त की खा खा के मुफ्त में लोग मुफ्ती हुए जा रहे हैं, यहाँ तो अहले बैत का हक बोल के इनके सदके में खाते हैं। जो जबान इनके हक में बोले, बुजुर्गों से बैत भी नहीं कर सकता, बच्चों से कह रहा हूं, हालांकि बुजुर्ग खुद से करें तो वो भी सवाब के शरीक होंगे। नौजवानों, जो उलमा दीन शरीयत वाजिब मुस्तहब अहकाम दीनदारी अली के हक में बोले, उनकी जूतियां उठा के अपने सर पर रख लेना, उनका बड़ा एहतराम करना, शर्म ना करना, उनकी नालायन उठा के अपने सर पर रखना। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, 2021 का फतवा है, जो इनके हक में बोले, जो दीन का सच्चा हो उसकी जूतियां अपने सर पर रखना, और जो इनके खिलाफ बोले अपनी जूतियां उसके सर पर। ये दीन है, ये शरीयत मोहम्मदी है, ये मजहब हक्का है, ये अहले बैत जैसे अजीम कुर्बानियां दे के दीन को बचा के लाए। हरकस और नाकस को इजाजत ना दो, ऐसों को मिंबर पर वादा लेके तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है। खाली मौलवियों को बुरा कहने से काम नहीं चलेगा, क्या आप बदअकल हो गए? क्या आपका शौर खत्म हो गया है? कोई कीमती सामान लेने जाते हैं दुनियावी जेबाइश के लिए, सुनार क्या जाएंगे, हीरा लेने जाएंगे, चार तरफ पर चार मर्तबा पलटेंगे, अरे तो मैंने बहुत मेयारी और बहुत महंगी मिसाल दे दी, एक सेब भी खरीदते चारों तरफ से देखते दाढ़ी तो नहीं आए, और दाढ़ियों को मिंबर दिए दे रहे हैं, ये कमी आपकी है, गुनाह आपकी वजह से। बैत भी ना कीजिए, बदकलामी ना कीजिए, देख दाग के साकरीन से और उलमा से रब्त कायम कीजिए। सच्चा आलिम और है और आलिम नुमा और है। गरज का मैं फजाइल की किस मंजिल में था, जोहरे बका जोहरे इर्तका, बात दूसरी तरफ ना चली जाए, और जो वादा किया उसी के वक्त के अंदर, मैंने घड़ी देखी थी 45 मिनट, आपने फजाइल सुने, मैंने भी इरादा किया था कि अब कम से कम 45 मिनट तो मैं भी पढ़ूंगा, कुल 7 मिनट बचे हैं, लिहाजा जल्दी से सुन लें, 11 बजे मजलिस तमाम हो जाएगी, पूरी तवज्जो। जौहरे बका से जौहरे इर्तका से जौहरे इल्म, बात तश्ना रह जाए, तुम्हारी रूह बनी है जौहरे इल्म से, जिस मना है आग पानी हवा मिट्टी से, वो यहां की चीजें यहीं रह जाएगा, रूह बनी है जौहरे बका जौहरे इर्तका जौहरे इल्म से। उलमा के साहब के मुसाफिये होते रहते हैं लखनऊ है, कैसे कैसे अजीम उल मर्तबत उलमा इस लखनऊ की जमीन पर खिदमत करके गए हैं, उलमा का इंतकाल भी आपने देखा है, खुदा न करे किसी आलिम का इंतकाल हो जाए, जैसे इंतकाल हो आप उसके करीब जाइए, पूरा जिस्म मौजूद है, उससे कही अभी तक हम आपसे कस्बे इल्म करते रहे, इल्म लेते रहे, इल्म हासिल करते रहे, आप पढ़ाते रहे, आप तालीमात देते रहे, जा रहे जाते जाते एक मसला है, इसको बता जाइए।
क्या बोलेंगे? नहीं, जिंदा थे, फिका पे काम कर रहे थे, इश्तेहाद कर रहे थे, तारीख बयान कर रहे थे, अकायद पे गुफ्तगू कर रहे थे, सबसे सख्त उलझे हुए मसले हल कर रहे थे, जिस्म पूरा मौजूद है, रूह निकल गई, इल्म जिस्म के पास नहीं था, इल्म दिमाग में नहीं था, इल्म था जौहर, इल्म रूह में था, जौहर इल्म से रूह बनी है, इल्म था रूह के पास, रूह निकल गई, इल्म निकल गया, तुम्हारा जैसा मर जाए, रूह निकल जाए, जिस्म से इल्म हासिल नहीं कर सकते, जिससे तुम्हारी रूह बनी है उससे इनका जिस्म बना है, जिससे तुम्हारी रूह बनी है उससे इनका जिस्म बनाए, ये करबला में कत्ल हो गए, सूरह कहफ में सिर्फ एहकामात हैं, तालीम दे रहे हैं, हैरत न करना, जिससे तुम्हारी रूह बनी है उससे इनका जिस्म बनाए, ये नैसे से भी कुरान की तालीम देंगे, क्यों? क्योंकि इनका जिस्म बना है जौहर इल्म से, ये कत्ल भी हो जाएंगे तब भी इल्म देंगे। सुनिए, वादे के हिसाब से बात तमाम हो जाए। मैंने एक बहुत बड़ी रवायत आपको सुना दी, वक्त की छोड़ दी, वक्त की कमी की वजह से, इंशाल्लाह दो जुमलों में बात अदा हो जाए तो भी सुना के बात तमाम कर दूंगा, नबी की मिराज के सिलसिले में, इसलिए कि हमारा कलेजा बहुत गोता गया है, नौजवानों को यह हकायक भी पता चलने चाहिए, यह जिक्र नस्लन बादा नस्ली नहीं। पूरी तवज्जो, जौहरे नूर, तुम्हारी रूह बनी है जौहरे नूर से, इंसान मर गया, आंखें खुली हैं, उससे पूछिए आप हमें देख रहे हैं, हमें पहचान रहे हैं, न देखेगा न जवाब मिलेगा, क्यों? क्योंकि जिस्म नहीं देखता था। मासूम ने फरमाया, क्या तुम सोचते हो तुम्हारी आंख में जो चर्बी का ढेला है इससे देख रहे हो? इस चर्बी के ढेले से नहीं देख रहे हो, पुतलियों में नूर है, इस नूर से देख रहे हो। नूर जिस्म में नहीं होता, रूह में होता है, जौहरे रूह से बनी है, जौहरे नूर से बनी है तुम्हारी रूह, रूह निकल गई तुम नहीं देख सकते। अब आप इतने शौक से सुन रहे हैं तो फजाइल का सीना चीर के आपको अगर मुअत्तर न किया तो इस दर की खिदमत करने से फायदा क्या? अहले बैत तो बहुत अजीम है, अपनी हैसियत को पहचानिए, कभी अदब से पेशानी इस आस्ताने पे झुका के तो देखिए, इनकी मारिफत हासिल तो कीजिए, मारिफत हासिल करके मुसलमान से सलमान हो जाइए तो ये आवाज देंगे, ये आवाज देंगे, सलमान व मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमारे अहले बैत में से हैं। जब अहले बैत में से हैं, अहले बैत की क्या मिसाल दूं? रूह देखती है, जौहरे नूर से बनी है आपकी रूह, जिस्म नहीं देखता, मर गए, आंखें खुली हैं, अक्सर मरहूमीन की आंखें बंद की जाती हैं, हाथ से पट्टी बांध के आंखें खुली रहती, देख नहीं सकते, क्यों? जौहरे नूर निकल गया, रूह निकल गई। सलमान मदीने से दूर मदाइन में मर गए, अली न जाने कितनी सातों के बाद, कितने वक्त के बाद, लंबे अरसे के बाद मदीने से मदाइन पहुंचे। मैं उर्दू में मजलिस पढ़ रहा हूं, ऐसी काबिलियत का होगा नहीं कि अरबी में उर्दू की मजलिस पढ़ डाली। पूछा कैसी हुई? कपड़े आलिम थे, क्या आलिम थे, क्या पढ़ा? समझ में कुछ नहीं आया। यह इल्म का मेयार है, पढ़े सब कुछ, समझ में कुछ नहीं आया। उर्दू में अरबी कैसी बोलना? उर्दू जबान के लिए मजलिस हो रही है, लखनऊ में सबसे ज्यादा उर्दू परवान चली, आप बोलिएगा। सलमान मदीने से दूर मदाइन में, न जाने कितनी सातों के बाद, कितने वक्फे के बाद अली पहुंचे। सलमान ने अली को आता, देखिए मैं रुक गया, मैं रुक गया। सलमान ने अली को आता, भाई अगला जुमला आप बोलेंगे कि नहीं? सलमान ने अली को आता, देखा, मुर्दे नहीं देखते, मुर्दे नहीं देखते, रूह बनी है जौहरे बका से। सलमान ने आता देखा, एक बार उठ के बैठ गए, अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन,
अली को बताए कि वक्त वफा नहीं कर रहा है, मैं मुंबर से वादा खिलाफी नहीं करता हूँ, मैं बात कहीं पर तमाम कर देता, मगर नौजवान सुनने जो कलेजे गोते गए आज, अपने अकीदों को बचाइए। ये कैसी बेवकूफी की बातें, मैं यहां सवाल करूं कोई एक ऐसा है जिसको ये नहीं पता है कि शरीयत मुहम्मदी में नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, हज वाजिब है, जकात वाजिब है, वाजिब का तर्क करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है, रोजे मशर की खूब जम के जूते कारी होगी, ये कौन नहीं जानता है। मगर जरा इन उलमा से पूछिए कि नमाज रोजा हज ज़कात सब दामन में हो और अकीदा दुरुस्त ना हो, नबी ने भी कहा अपनी नमाज की परवाह करो, नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल, नमाज रद्द तो सारे अमाल रद्द, नीचे हम वही कर रहे हैं, हमारी जान पे दौड़े चले आ रहे हैं, कितने अहमक हैं। नबी ने नमाजियों से कहा है, बेनमाजियों से नहीं कहा है। भाई अगर मैंने खुदा ने खास्ता हजार कुरान दरमियान मगरिब इशा की नमाज ही ना पढ़ी हो, 11 बज रहा है और आपके सामने बैठा गुफ्तगू कर रहा हूँ, और कहूँ दुआ कर दीजिए मेरी मगरिब इशा की नमाज कबूल हो जाए, आप हंसेंगे। जिसके इल्म में दानिश साहब मेरे साथ में थे कि जो नमाज पढ़ी नहीं वो कबूल क्या होगी, अल्लाह बेनमाजियों को और अल्लाह के रसूल तो मुंह ही नहीं लगाता, वाजिब वाजिब है, मुस्तहब मुस्तहब है, अरे कब में एहतराम है, तकद्दुस है, जो नमाज पढ़ी नहीं वो क्या कबूल होगी। इसका मतलब नबी कह रहे जो नमाज पढ़ ली पढ़ के इतरा न जाना, बड़े नमाजी हैं, रोजे रख लिए, न जाने कैसी कैसी दौलत कमा के हज पर चले गए, इसकी फिक्र में लग जाओ। अल्लाह के नबी बता दीजिए कैसे ये कबूल होगा, अगर नमाज में हमारी आल पर दुरूद नहीं तो नमाज काबिल कबूल नहीं, दुरूद नहीं तो नमाज काबिल कबूल नहीं। हम फर्श मातम बिछा के भी इनके फजाइल पढ़ के इन पर दुरूद पढ़ के अपनी पढ़ी हुई नमाजों को कबूल करवाते हैं। उनकी मोहब्बत से हम अपनी इबादतों को कबूल करवाते हैं, न जाने कैसी कैसी गुफ्तगू करते हैं। अहले बैत के सामने शरीयत को लाने लगे, मेराज पर कह दिया जिस्मानी मेराज नहीं हुई, सुनो और इसी पर हफ्ते मसायब, और बहुत दुआएं देंगे नौजवानों सुनो मैं बड़ों के लिए क्या पढ़ूं, बड़ों का इल्म मुझसे ज्यादा, मारफत मुझसे ज्यादा, मैं अपने छोटों के लिए और नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं, नबी के जिस्मानी मेराज के मसले को तब्दील करके कहा रूहानी मेराज हुई थी। भाई हमने दावा किया कि पैदा बशर नहीं हुए, पैदा हुए नूर, दलील दी इमाम जमाना की, हवाला दिया उसूल काफी का, हवाला दिया, वाकया सुना दिया, ये नूर है आपको समझाने के लिए आए दीन, इसलिए बशरी पैगर में आए, इनको अपना जैसा न समझ लेना। नबी को जिस्मानी मेराज नहीं हुई थी, दलील एक दे चुका हूं, आप मुतमईन है, मगर मैं भी तो पूछूंगा ना, अब जवाब देने का दौर नहीं, अब सवाल करने का दौर है कि बताओ भाई तुम्हारे पास दलील क्या है कि नबी को जिस्मानी मेराज हुई थी। सुने और रब्त मसाहब, एक मिनट का वक्त सर्फ होगा और तवज्जो से सुन लिया तो हम आपका शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि बड़ा कलेजा गोता गया है इस सजा के खिलाफ, अफसोस है अख्तियार नहीं अपने बोल नहीं, तो नौजवान हकायक से भी वाकिफ हो जाए कि इनकी हैसियत और औकात क्या है। पूछा भाई क्या दलील है कि नबी को जिस्मानी मेराज नहीं हुई थी, कहा वो फरमा रही थी, खुदा करे आप वो समझ जाए तो बेहतर है, मुझसे वजाहत ना कराइए वो कौन, आपको खुदा उसका रसूल का वास्ता, समझ जाइए वो कौन, कौन वो समझे नहीं समझे, क्या जुमलों में समझाना पड़ेगा। देखिए अभी भी रियायत करता हूँ, वही जो जमल में मोहम्मद के भाई के सामने आ गई थी, कब वो फरमाती हैं, सही बुखारी का हवाला, वो फरमाती हैं कि जब नबी को मेराज हुई तो नबी मेरे घर में थे, नबी को मेराज हो रही थी, मेरा जानू था, पूरी तवज्जो नबी का सर था
और पूरी रात नबी को मेराज हुई। वहां तो जंजीर दर हिल रही थी, अभी सुना आपने बिस्तर की गर्मी कम नहीं हुई थी, वजू का पानी बह रहा था पूरी रात। और ये इतनी नेक थी कि अपना जानू दिए रही, नबी सर रखे रहे। कब जब नबी मेराज पर थे, रू गई हुई थी उनकी, तो मैं कैसे जानू हटा थी पूरी रात। पूरी रात मेरे घर पे रहे मोहम्मद, मेरा जानू मोहम्मद का सर। दलील यह है कि जिस मेरे पास था रू मेराज पे थी। सुभान अल्लाह, इतना चमचागिरी में न डूबिए कि किरदार मजरू हो जाए। झूठी रवायतें बयान करने में इतना दिमाग पर असर ना हो कि सामने की दलीलों को आप फरामोश कर दें। इंशाल्लाह मुतवज्जो हो गए तो बहुत दुआएं देंगे। क्या कहा? जानू मेरे सर पे था, पूरी रात मेराज होती रही, इसलिए जिस्मानी मेराज नहीं हुई, रूहानी मेराज हुई। मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, जबान रुक रही है, मैं रुक गया, आस्ता हो गया, ये जुल्म किस पर करूं। मैं मेरी दोस्ती मेरे छोटे भांजे हैं शहबाज आलम साहब, और वही हमारे मेज़बान भी हैं, वही साहब खाना भी हैं, सगीर भाई के बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, बड़े आज़ादार बड़े मोमिन हैं। आए तो अगर उनसे मोहब्बतें हैं तो हमारे जुल्म भी उन्हीं के साथ होंगे। है उनके ससुराल वाले भी बैठे हैं, वो भी इंशाल्लाह हमारे बहुत करीब हैं, हमें माफ़ करेंगे। शहबाज की शादी हुई 2012 में, शादी हुई, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, मुझे सही सन याद नहीं है, जिसको मालूम हो बता दे, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ 2012 में 26 जून इनको याद है। अब मैं यहाँ आया, चूँकि मेरी अजीज़दारी होती है, मेरी बहन के साहबजादे हैं, इनकी अहलिया मुझसे कहने लगी, शौजा मामू मैं शाहजेब के साथ, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो तो इनकी अजीज़ हैं, शहबाज के साथ 2008 में फुला जगह घूमने गई थी, 2009 में मैंने कलकत्ते का पार्क देखा था, 2010 में अहमदाबाद में थी, 2011 में अमेरिका गई थी। नहीं मुतवज्जे हुए आप? मोहब्बत में इतना न डूबिए कि किरदार मजरूह हो जाए। मोहब्बत में इतना न डूबिए कि किरदार मजरूह हो जाए। मेरे पास कुरानी दलील है, कुरान, खुदा कुरान में कह रहा है, क्या कहना उसका सुबहानो उस जात का जो अपने आप को मिनल मिला मस्जिद हराम मिनल मस्जिद अक्सा, अपने बद्दे को अपने अब्द को काबे से मस्जिद अक्सा तक लेके गया। कुरान है कि नहीं है? कुरान है कि नहीं है? अभी आप मुतवज्जे नहीं है, बहुत दुआएं देंगे। क्या कहना सुभान उस जात का जो अपने बंदे को इला मस्जिद हराम मिनल मस्जिद अक्सा, इला यानी टू, मिनल यानी फ्राम, काबे से मस्जिद अक्सा दुनिया का आखिरी किनारा आखिरी चोर मस्जिद अक्सा तक लेके गया। नहीं मुतवज्जे हुए? कहां से? काबे से। नबी को मेराज हुई काबे से। नबी मक्के में पहले थे, मदीने बाद में गए, ये आई मदीने में। नहीं मुतवज्जे हुए? नहीं मुतवज्जे हुए? इनकी शादी हुई जब नबी मदीने पहुंचे, मेराज मक्के में हुई, करी जानू पे सर रखा हुआ था। सलामत कर दो तो बाप मदवा। बहरहाल आप तशौफ से सुन रहे थे हुक्म था, कैसी कैसी सितम जरीफियां की गई हैं आले मोहम्मद के हक के साथ। जौहर बका जौहर इर्तका, बात मुकम्मल हो जाए। मैंने मसाहिब के लिए आखिरी सिफत रोक रखी थी, आप रोने के लिए आमादा हैं, क्यों ना रोए? आज इमाम का दसवां है, एक दोपहर में 72 का दसवां है, और ऐसे मजलूमों का दसवां है कि जिनके वारिस मौजूद थे मगर न संयम कर सके न दसवां कर सके। परवरदिगार इस घर पे अपने रहमतों का नुजूल खास फरमा के हुसैन के आजादार बैठे हुए, हुसैन मजलूम का
और शहीदान करबला का दसवा करने के लिए बैठे हैं। जौहर इर्तका, जौहर इल्म, जौहर नूर, जौहर खुशबू। आपका अजीज था, दादा था, 95 साल, 100 साल, 90 साल का इस दुनिया से गया। बड़ी शफकतें दी पोतों तक को, पर पोतों तक को, जो कि उम्र 90 साल, 95 साल पाई, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। पोता 40, 45, 50 बरस का, बेटा 70 बरस का। पहले शादियां 18-20 साल में होती थी। आप कहिए भाई, तुम्हारे वालिद गए, तुम्हारे दादा गए, 90 साल की उम्र गुजार के गए, 90 दिन इनको और मेहमान रख लो। क्या कैसी बातें कर रहे हैं। गर्मियों का जमाना होगा, 14-24 घंटे कम पड़ जाएंगे। सर्दियों का जमाना होगा, 24 घंटे गुजरेंगे, जिस्म सड़ने लगेगा, जिस्म गलने लगेगा, जिस्म बदबू देने लगेगा। क्यों? क्योंकि खुशबू थी जौहरे, जो रूह बनी थी जौहरे खुशबू से, रूह निकल गई। आपका बदन नहीं महक रहा था, ये जौहरे खुशबू था जो रूह में था, रूह निकल गई, जिस्म बदबू देने लगेगा। 90 दिन के 9 दिन रखने को कोई तैयार नहीं होगा। इसीलिए सुपुर्द खाक किया जाता है कि आपका बदन बना आग, हवा, मिट्टी, पानी, ये सब यहां की चीजें। मिट्टी मिट्टी में मिल गई, हवा हवा में चली गई, आग आग में मिल गई, पानी पानी में मिल गया, जिससे आपकी रूह बनी जौहरे खुशबू निकल गई, आपका बदन बदबू देने लगेगा। चौथे इमाम को सलाम कीजिए बाएजाज, करबला पहुंचे थे, इसलिए कि जब यह काफिला 11वीं मुहर्रम को करबला से रवाना हो रहा था तो शहजादी ज़ैनब ने इरशाद फरमाया, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, मर्दों में तन्हा तुम ही तो हो, ए बेटा यह तुम्हारी रूह एक कफ़स उंसरी से क्या परवाज करने वाली है, चेहरा इस तरह मुतगैर हो रहा है, क्या आप भी अम्मा सही महसूस किया, देखिए जालिमों ने कुश्ता नजस दफन कर दिए, मेरे बाबा का लाशा पड़ा है, वो मेरे चचा अब्बास का लाशा, वो 18 बरस के अली अकबर, वो अनु मोहम्मद, वो कासिम, 10वें की तारीख है, 20वीं मुहर्रम का भी सूरज ग़ुरूब हो गया, इस घर में शब्बेदारी की मजलिस है, बचे जो अगले बरस समय और ये गम फिर आए, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अरे किसका किसका मातम करेंगे, किसको किसको पुरसा देंगे, सिर्फ दो जुमलों की रवायत सुन ले कि जब चौथे इमाम न जाने कितने दिनों बाद बाएजाज करबला पहुंचे, करबला का रेगजार मुअत्तर था, खुशबू दे रहा था। क्यों? जिससे तुम्हारी रूह बनी उससे इनका जिस्म बना, एक ऐसी खुशबू कि बनी असद वाले आए तो थे मगर कह रहे थे कि कयामत आ जाएगी कोई ऐसी खुशबू न सूंघ पाएगा, इतनी जिंदगी गुजारी कभी ऐसी खुशबू न सूंघी। अरे न जाने कितने दिन गुजर गए, जिस्म आए अथर मुतहर जमीन पे पड़े हुए हैं मगर खुशबू दे रहे हैं, जिससे तुम्हारी रूह बनी उससे इनका जिस्म बना। आज आप रोने के लिए आमादा हैं, सुने 1 या 1.5 मिनट में मजलिस तमाम हो जाएगी, मैं ज्यादा देर मसाइब पढ़ने का आदी नहीं, ये भी इसलिए पढ़ रहा हूं कि बड़ी हसरत से, बड़ी तमन्ना से, आज अभी मजलिस का वक्त पानी बरसने लगा था, अब्र रहमत से तशबीह दी गई है इस पानी को, साखाना मैंने देखा वक्त से आ गया था, तड़प रहे थे, बेचैन थे, अब्र रहमत ऐसे वक्त पे आया कि कहीं अज़ादारों के आने में कुछ कमी ना हो जाए। अल्लाह अकबर, ये कैसे आने में कमी करे, इसलिए कि जब करबला में तीरों की बारिश में न रुके ते तो बारान रहमत आए। ये हुसैन
ये हुसैन के अज़ादार हैं, ये हुसैन के दसवें का मातम करने के लिए आए हैं। हाँ करबला वालों का तस्करा करूं, ये हुसैन की उस चार साल की यतीमा जो करबला के बाद ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हुई कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जब शिमरे मलून ने सकीना से बालियां मांगी, सकीना ने कहा ए शिमर तू ना उतार, तू ना मेरा मैं वहीं रुक जा, मैं अपने हाथों से उतार के दे दूंगी। अरे अपने घर की चार साल की बच्ची देखो, बड़ी मासूम होती है, चार साल की बच्ची से किस तरह दूर उतरते, उतरने में ताखीर हुई। शिमरे मलून आगे बढ़ा, कानों से बालियां खींच ले, कानों की लवे फट गई। जज़ाकुम रब्बकुम, ये जुमला पढ़ के देख रहा था कि आप रोने के लिए आमादा है कि नहीं। ए नौजवानों, कभी भी बावाज़ो बुलंदगिरिया करने में शर्म ना महसूस किया करो, हुसैन को हमेशा गरीबों की तरह रोया करो, फर्श मातम पे कभी अमीर बन के ना बैठा करो, इसलिए कि कायनात के अमीर अल मोमिनीन के जानशीन का मातम है। जो कायनात का अमीर था करबला में गरीब हो गया। हुसैन करबला में कैसे गरीब हुए, इरशाद फरमाया अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। जज़ाकुम रब्बकुम, आवाज़ बुलंद है, सुने मजलिस तमाम है, हुसैन की यतीमा को पुरसा दे लें, करबला के 72 शहीद भी आपसे राजी हो जाएंगे, हुसैन के दसवें का हक भी अदा हो जाएगा। सकीना करबला से कूफे, कूफे से टिकरी, टिकरी से हलब, हलब से दमिश्क, कभी बाजार शाम, कभी जिंदान शाम, कभी दरबार शाम, एक बरस गुजर गया, हुसैन की सकीना को चैन न मिला। बाप से वादा किया था कि नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, अरे नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को जंगल में चली आऊंगी बाबा। हुसैन तड़प गए थे, ए बेटी लिल्ला ऐसा न करना, तारीख बताती है मक्तल, मक्तल लिखने में बहुत बड़े आयतुल्ला गुजरे हैं, आयतुल्ला शेख जाफर, उन्होंने लिखा है एक बरस हुआ सकीना ने बाबा से जो वादा किया था, सकीना को चैन नहीं मिला। हाँ ज़ैनब तसल्ली दे के सकीना को लेटाती तो थी, चंद लम्हे लेट के बच्ची उठ के बैठ जाती थी, ए बुबी अम्मा देख रही थी ना किस तरह मेरे बाबा का लाशा पामाल किया जा रहा था। एक बरस सकीना न सोई, हाँ एक बरस के बाद न जाने कैसा आराम मिला, सकीना एक लम्हे के लिए सोई। मीर साहब कहते बच्ची ने ख्वाब देखा, सुने मजलिस तमाम है, एक मिनट में मजलिस तमाम है, जिस तरह चाहिएगा सैयदा को पुरसा दे दीजिएगा। जिक्र तमाम हो रहा है, बचे जो अगले बरस हमारे और ये गम फिर है। आजीजों सुने, जब ख्वाब में सकीना ने देखा हुसैन को, अरे मुद्दत के बाद बेटी ने पाया हुसैन को, रो रो के अपना हाल सुनाया हुसैन को, अरे दामन जला हुआ भी दिखाया हुसैन को। और जो जब रवायत है सुने, वक्त नजर वो मीर साहब के कुल तो बंद और मजलिस तमाम है, जब ख्वाब में सकीना ने देखा हुसैन को, अरे मुद्दत के बाद बच्ची ने पाया हुसैन को, रो रो के अपना हाल सुनाया हुसैन को, दामन जला हुआ भी दिखाया हुसैन को, अरे मुद्दत से दूर थी जो शाय मशरक़ैन से फैला के बाहें, दौड़ के लिपटी हुसैन से, फैला के बाहें दौड़ के लिपटी हुसैन से, मुंह रख के मुंह पर बाप के, बेटी ने ये कहा बाबा सुनाओ आपको क्या गम का माजरा, अरे जब आप कत्ल हो गए लश्कर तबाह हुआ, अरे बाबा हमारा आधा ने खेमा जला दिया। मुंह रख के मुंह पर बाप के, बेटी ने ये कहा
बाबा बताऊं आपको क्या गम का माजरा, जब कत्ल आप हो गए लश्कर तबाह हुआ, बाबा हमारा आधा ने खेमा जला दिया, हम रो रहे थे, अरे हम रो रहे थे, देख के दुआई रसूल की जंगल में लुट रही थी कमाई बतौल की, हम रो रहे थे देख के दुआई रसूल की, सुने बस आखिरी छह मिसरे, मजलिस तमाम हुई, जंजीरों में कसा गया बीमार नातवा, चौथे इमाम को भी पुरसा दे ले, हुसैन का दसवा है, जंजीरों से कसा गया बीमार नातवा, सर नंगे इश्तिहाम में थी सारी बीबियां, ते ताजिया ने पुष्ट पर और मुंह पे सी लिया, अरे मांगी नहीं थी कानों से खैची थी बालिया, मांगी नहीं थी कानों से खैची थी बालिया, सीने में देखो दिल अभी भी धड़कता है, सीने में मेरे दिल भी अभी भी धड़कता है, कानों से देखो खून अभी भी निकलता है, बच्ची ने बाप को ख्वाब में देखा बेदार हुई बाबा बाबा करके, अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, मातम हुसैन। असर पुकारा आई माँ ने एक सुतरा,